क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा एक बार। इसमें क्या है, टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल आर फास्टेंड टू द टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। तो एक स्प्रिंग बना लो और दो स्फीयर लगा दो उस पर, चार्ज स्फीयर, ठीक है, कि आपको कितना दे रखा है, 100 न्यूटन पर मीटर दे रखा, एल नॉट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, या आप एल नॉट कह सकते हो 0.1 मीटर दे रखी, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, चार्जेस ईच पार्टिकल पर आइडेंटिकल है, ठीक है, बट आप देख रहे हो ये चार्जेस बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, 2 × 10⁻⁸ कूलॉम। तो आपको एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बताना है, अज्यूम दैट द एक्सटेंशन इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द नेचुरल लेंथ। ये आप यहाँ पर अज्यूमशन ले सकते हो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजिशन में बताना है आपको कितना एक्सटेंशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा, हर पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। अब मान लो इसमें एल नॉट की जगह एल नॉट प्लस एक्स लेंथ हो गई, एक्सटेंशन हो गया। तो आपको बताया अगर एक्स एक्सटेंशन स्प्रिंग में है तो फोर्स कितना लगाती है स्प्रिंग, के एक्स फोर्स लगाती है कि नहीं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन आ गई, के एक्स इज इक्वल टू एफ ई, क्लियर है बेटा ये बात। ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, के एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लिखोगे किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, वो आप लिख सकते हो किससे, कूलॉम्स लॉ से लिख सकते हैं, कूलॉम्स लॉ से लिख सकते हैं। तो लिख दो इसमें के एक्स इज इक्वल टू एफ ई की जगह क्या आ जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0। अब देखो उसने कहा है कि एक्सटेंशन बहुत स्मॉल है, तो इसलिए मैं एल नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर की जगह एक बार लिख देते हैं, चलो बीच की डिस्टेंस हो गई एल नॉट प्लस एक्स स्क्वायर। एल नॉट बहुत ज्यादा है क्योंकि एक्सटेंशन इज वेरी स्मॉल, ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना, क्वाड्रेटिक क्यूबिक सब बन जाएगी, तो आप सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। इसलिए अज्यूम्शन दे रखी है आपको कि आपका अब यहाँ से सॉल्यूशन बहुत इजीली निकल जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 एल नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0, इसको निकाल लो पहले, कितना है, 2 × 10⁻⁸ स्क्वायर, ठीक है, और इसकी जगह 4π1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻⁹ रख दो, एल नॉट स्क्वायर की जगह 0.1 स्क्वायर। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3.6 × 10⁻⁴ आ जाएगा। अब के कितना दे रखा है, देखो 100 दे रखा है, तो 100x = 3.6 × 10⁻⁴ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा आपका, 3.6 × 10⁻³। देख लो कितना स्मॉल आ गया, एल नॉट थी 0.1 मीटर, तो उसके कंपैरिजन में आप ही स्मॉल हो, ठीक है। जस्टिफिकेशन इसका यही है कि आपने चार्जेस के वैल्यूज बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पर वो स्प्रिंग फोर्स के कंपेरिजन में काफी कम, ठीक है। तो बहुत कम स्प्रिंग फोर्स ही उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है, क्लियर है सबको ये बात, कोई डाउट किसी को तो वो पूछ सकता है, बिल्कुल।